के बाप से ये स्लोगन अपना कायम है, तू जब चाहेगा गाली दे, जब हमने दी तो क्राइम है। गाली दे के बाप लबन, तुझे पड़ेगा थप्पड़ ऑन द स्पॉट। ये बीज तूने ही बोए है, अब बेइज्जती बर्दाश्त कर रे, मुंह से निकले कूड़ा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो हेलो फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ज़ैनुल हसन ने डकी भाई पे एक और नया डिस रैप बना दिया है, बेशक है तो बवासीर ही। पहले मैंने सोचा कि इसको तो कोई मुंह नहीं लगा रहा इस डिस रैप पे, तो मैंने सोचा लेकिन इस पे हम रोस्टिंग वीडियो क्यों ना बनाएं। तो कुछ दिन सोचने के बाद मैंने सोचा कि इस पे रोस्ट बनाया जाए। तो रैप की शुरुआत यूँ होती है कि जैन भाई वॉशरूम से हग के बाहर निकलते हैं और इतने खुश होते हैं कि जैसे इन्होंने कभी हगा ही ना हो। और फिर एक फ्रेम आता है, उसके बाद जैन भाई फिर से हगना शुरू कर देते हैं। यार मुझे ना जैन भाई से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इनको यही कहूँगा कि अगर आपने ये जो चश्मा लगाया हुआ है, ये अगर पठान को 15 मिनट और दे देते ना, तो वो इससे अच्छा चश्मा दे देता आपको। इतनी मेहनत के बावजूद भी आप एक अंधे फकीर लग रहे हो, यानी कि बिल्कुल मरासी। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया अच्छा है भड़वे। और मैं इस डिस रैप से बहुत खुश हूँ क्योंकि इस डिस रैप में इस चूतिया को नहीं डाला और ना ही डिस रैप पे कोई ऐसी हरकत की गई है। यार रैप चाहे जितना बकवास हो लेकिन मेरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो अपनी मेहनत से फेमस होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो दूसरों से अपनी करवा करवा के होते हैं, और ये भाई साहब उन्हीं में से हैं। अब इन भाई साहब ने समझा कि पिछले रैप की तरह इस रैप पे भी बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे, लेकिन इस रैप पे अवाम ने भी इसको कह दिया तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या। इसने समझा डकी भाई से इस रैप को रोस्ट करेगा और इसको फेम मिल जाएगा, लेकिन अब तो डकी भाई ने भी कह दिया। और दूसरी तरफ तो टिकटॉक बैन हो गई है, जिसका मुझे अफसोस बहुत हो रहा है क्योंकि टिकटॉक के मुकाबले में यूट्यूब पे इस जैसे चूत के लोग बहुत कम पाए जाते हैं, और रोस्ट करने के लिए हम किसको ढूंढेंगे। और ऊपर से तो वकार जका खुद टिकटॉकर्स के उल्टा खिलाफ हो गया, और वकार जका ने सीधा सीधा कह दिया सर ये तो टट्टी है। नहीं नहीं नहीं। और वैसे भी टिकटॉक पे बहुत टैलेंटेड लोग आया करते थे। नहीं, नहीं, नहीं। तो गाइज इसमें कोई शक नहीं, गाने का फ्लो बहुत अच्छा था, और गाइज डिसलाइक और कमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बंदे की थोड़ी सी रिस्पेक्ट में इजाफा हो जाता है। और इवन डकी भाई को भी नहीं पसंद होगा कि कोई किसी और के चैनल पर जाके गंदे गंदे कमेंट्स करे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए नहीं, नहीं, नहीं। Gangsters, comments में आ जाओ, जिसे हो दिक्कत मेरा खा लो, आज मूव में खलोगी गलारो, म्यूजिक का नाश होगा मुझको बुला लो। मुझे तो मौत कबूल है पर राशिद मिनाज की तरह, मुझे संगीत से प्यार है नुसरत उस्ताद की तरह, और कलाकार बस सीधे जी मांगे थोड़ा सा प्यार, और कितने आए कितने चले गए चुपचाप।